हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नमन और आप सभी का स्वागत है टेक प्लस गैजेट्स डॉट कॉम में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेडमी नोट 7 के बारे में। मैं सारा रिसर्च कर आया हूँ, उसके बाद ही सारी बातें आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ। तो बात करते हैं रेडमी सीरीज़ के बारे में। रेडमी सीरीज़ मतलब बहुत ही प्रॉफिटेबल सीरीज़ रही है इंडिया में, स्पेशली शाओमी के लिए, बिकॉज ये काइंड ऑफ बजट फ़ोन होते हैं जो इंडिया में ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन अफोर्ड कर सकती है। अराउंड 14 to 15,000 इनके प्राइस रेंज होते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि शाओमी को जो बूस्ट देने वाला जो एक प्रॉफिटेबल जो फ़ोन कहा जाता है वो रेडमी सीरीज़ को कहा जाता है, रेडमी नोट सीरीज़ को स्पेशली कहा जाता है। वो रेडमी नोट 3 भी है, रेडमी 4 है, रेडमी नोट 5 प्रो है जो कि बहुत धमाल मचाई थी उसने 14 से 15 हज़ार के बीच में। तो ये सारे सेगमेंट्स, ये सारे फ़ोन्स हैं जो रेडमी नोट सीरीज़ को स्पेशल बनाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा देता है कम पैसों में। तो उसी के साथ रेडमी नोट 7 आ चुका है मार्केट में, और रेडमी नोट 7 के लीक्स बहुत पिछले महीने बहुत वायरल हुए थे इंटरनेट पे। उसी की तरह रेडमी नोट 7 ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है और जो उनके लीक्स थे वो रियल है। तो रेडमी नोट 7 की बात करें तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से दिखता है, बिल्कुल ग्लॉसी फ्रेम में ये आया है। और इसके बारे में सीरीज में बात करते हैं तो जो इसकी डिज़ाइन है वो ग्रेडिएंट कलर में है। आप देख सकते हैं 3 से 4 कलर इसमें आएंगे, और हो सकता है कुछ लिमिटेड एडिशन फ़ोन्स भी आएँ, लेकिन अभी ये ग्लॉसी ब्लू कलर, ग्लॉसी रेड कलर जो इस फ़ोन को बहुत ज़्यादा प्रीमियम बनाता है इस प्राइस रेंज के अंदर। इसका प्राइस जैसे मैं बता चुका हूँ कि 14 से 15 हज़ार तक का इसका प्राइस होगा, इससे ज़्यादा इसका प्राइस नहीं जाता है। और इसके अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसका जो फ्रंट कैम, इसका जो जो स्क्रीन है उसके ऊपर एक सर्कुलर कैमरा बना हुआ है, जो सर्कुलर डिज़ाइन, जो वाटर ड्रॉप डिज़ाइन जिसको भी कहते हैं, नॉच भी कहते हैं, तो उस नॉच को बिल्कुल छोटा सा रूप दे दिया है उन्होंने और बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया। जो इसका स्पीकर है वो ग्रिल के ऊपर लगा हुआ है और बस कैमरा आपको दिख रहा है, जिसकी वजह से फ़ोन का जो स्क्रीन रेशियो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसका जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो 1080x2340 है, 2340 पिक्सल रहेगा, जो कि काफ़ी शार्प रहेगा। फुल एचडी के साथ आपको इसका डिस्प्ले मिल जाएगा विद फुल बॉडी रेशो के साथ। इसका प्रोसेसर की बात करते हैं तो 2.2 GHz का प्रोसेसर है विद 3 GB ऑफ रैम, और इसके और भी डिफरेंट वेरियंट आएंगे जो 6 GB रैम भी आ सकता है। और मेन चीज़, इसके अंदर माइक्रो USB स्लॉट भी लग सकता है। एक्सपेंडेबल इसकी मेमोरी है 256 GB तक, हम इसको माइक्रो SD कार्ड के द्वारा बढ़ा सकते हैं। और बैटरी की बात करते हैं तो इसमें 4000 mAh की बैटरी है, और रेडमी नोट 7 ओरियो के अंदर आने वाला है, पाई के अंदर नहीं आएगा, एंड्रॉयड पाई नहीं मिलेगा इसमें, एंड्रॉयड ओरियो मिलेगा, लेकिन फ्यूचर अपडेट के साथ एंड्रॉयड पाई में ऑब्वियसली कन्वर्ट कर देंगे, उसकी आप टेंशन ना लीजिए। और अगर इसके रियर कैमरे की बात करते हैं तो 48 MP का रियर कैमरा है। कैमरे की हम बात करेंगे क्योंकि ये बहुत स्पेशल चीज़ है फ़ोन की, इस कितने प्राइस रेंज में पहला फ़ोन है जो 48 MP का कैमरा देने वाला है। लेकिन वो 48 MP रियल है या नहीं है उसके बारे में अभी बात करेंगे वीडियो के एंड में, तो तब तक आप ये पूरी वीडियो देखिएगा। अब एक और बात निकल के आती है कि जो स्नैपड्रैगन 660 का इसका प्रोसेसर है वो इसके अंदर लगा है, जो कि काफ़ी बहुत अच्छा माना जाता है इस प्राइस रेंज के अंदर। लेकिन दो बातें निकल के आती है कि क्या स्नैपड्रैगन 660 48 MP कैमरा को सपोर्ट करता है। तो ये सब जो बातें हैं इसके कारण रेडमी नोट 7 बहुत हाईलाइट हो रहा है आज के टाइम पे इंटरनेट पे, कि हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे। और स्क्रीन की बात करें तो कॉर्निंग वाला ग्लास की प्रोटेक्शन आएगा इसमें, और बाकी जो नॉर्मल स्पेसिफिकेशन होते हैं वो इस फ़ोन में है। अब अगर बात करते हैं पिक्चर सैंपल्स की, पिक्चर क्वालिटी की, तो मैं आपको पिक्चर्स क्वालिटी दिखा देता हूँ। ये पिक्चर्स क्वालिटी आप देख सकते हैं स्लाइड पे, बहुत शार्प डिटेल के साथ ये पिक्चर क्वालिटी निकल के आती है बाहर, और ब्लैक और वाइट का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करके रखा है। बात करते हैं 48 MP कैमरे के बारे में, तो 48 MP सैमसंग का इसमें एक सेंसर लगा हुआ है ऐसा कहा जाता है, और मैंने भी रिसर्च किया है कि सैमसंग का एक सेंसर लगा हुआ है जो 12 MP को कन्वर्ट करता है 48 MP में। 12 MP का जो ये कैमरेज होते हैं वो 2 से 3 कलर में चलते हैं, जिसमें से एक ब्लू, ग्रीन और
एक पर्पल कलर होता है जिसमें से ग्रीन कलर बहुत ही ज़्यादा एविडेंट होता है, जिसके कारण हमें देखने में बहुत अच्छा अट्रैक्ट होता है। तो उसी तरीके से सैमसंग ने बहुत चालाकी से 12 मेगापिक्सल को 48 मेगापिक्सल में ऐसे किया है कि उन्होंने हर एक पिक्सल को 4 गुना बड़ा कर दिया। अगर आप 12 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 48 मेगापिक्सल का मेगापिक्सल निकल के आता है। तो 12 मेगापिक्सल का ही कैमरा, इसमें हार्डवेयर लगा हुआ है लेकिन वो सॉफ्टवेयर और उसके थ्रू मेगापिक्सल जो सैमसंग का कैमरा है उसके थ्रू ये 48 मेगापिक्सल में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन आपको ये ऑफिशियल कैमरा ऐप में नहीं, कैमरा ऐप में आएगा लेकिन जो इनका डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप उसमें आपको ये नहीं दिखेगा। आपको इसके लिए प्रो मोड में जाना पड़ेगा और प्रो मोड में ऑन करने के बाद आप 48 मेगापिक्सल का कैमरा यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ़ोन बहुत ही जल्दी सेल स्टार्ट होने वाली है, इसकी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है इंडिया के अंदर। एक ऑफिशियल लॉन्च डेट भी इसकी आ जाएगी और Xiaomi का Redmi Note 7 फिर से धूम मचाने वाला है इंडिया के अंदर इस बजट प्राइस रेंज में, क्योंकि इसकी प्राइस 14 से 15 हज़ार होगी और इस बजट प्राइस रेंज में इतना खूबसूरत फ़ोन मिलना इम्पॉसिबल है। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई और फ़ोन ख़रीदने का तो आप थोड़ी देर के लिए वेट कर लीजिए इस फ़ोन के लिए, और ये फ़ोन बहुत ही जल्दी मार्केट में आने वाला है। तो इस टाइप की डिफरेंट न्यूज़ और रिव्यूज़ और डिस्कशन देखने के लिए इस चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। आई नीड योर सपोर्ट, लाइक दिस वीडियो। और हम लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी हैं, हमारी वेबसाइट भी है, तो हमारी वेबसाइट भी है और मैं उन सब की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। प्लीज़ डू फॉलो एट ईच प्लेटफॉर्म ऑन मी, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।